एक लड़की बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसका नाम है मिस्टी। पहले इसको देखिए। आप इनको भी जानते होंगे, अरे भाई कच्चा बादाम वाले अंकल, भूल गए तो वीडियो देख लो। দিয়ে যাবেন তাতে সমান সমান বাদাম পাবেন বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম। বচ্চে কো ভি জানতে হোগে জিসকা নাম হ্যায় সহদেব অর রানু মন্ডল কা ভি নাম সুনা হোগা। রানু মন্ডল কো ভি জানতে হোগে, আরে ভাই জো স্টেশন পে গানা গাতি থি। ইন ফেমাস অর ভাইরাল লোগো কো কিউ দিখা রাহা হুঁ মে আপকো, কিউকি উনকা অ্যাকচুয়াল ট্যালেন্ট কুছ হ্যায় হি নাহি। আগার ট্যালেন্ট রাহতা তো ও জো কাঁচা বাদাম এক গানা বানায়ে থে তো ও আজ তক 10 গানা অর বানা লেতে। कभी आपने ये सोचा है कि ये कहाँ चले गए, क्यों नहीं दिख रहे, क्या गाना भिगाते होंगे या छोड़ दिए होंगे या यूट्यूब पे होंगे कि नहीं होंगे। जो जितनी तेजी से वायरल होता है गिरता भी उतनी तेजी से ही है। इसका रीजन केवल एक है कि उसके पास ना टैलेंट है और ना ही कोई हुनर, वो केवल दूसरों के वायरल करने से वायरल हुआ है। क्योंकि वो एक्चुअल सिंगर नहीं है, उनके एक्चुअल टैलेंट कुछ भी नहीं है, जस्ट उन्होंने एक गाना बनाया बादाम बेचने के लिए और वो वायरल हो गया। अब उनका टैलेंट तो है नहीं, अगर टैलेंट रहता तो अभी और वो रेगुलर गाने बनाते और गाना बनाते रहते अगर प्रोफेशनल सिंगर रहते तो आज के डेट में वो अभी भी वायरल होते। लेकिन उनका एक्चुअल टैलेंट कुछ नहीं था। रानू मंडल के साथ भी सेम सीन था, उसका टैलेंट बोल के कुछ नहीं। एक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो अपने क्रिएटिविटी से, अपने मेहनत की वजह से और धीरे धीरे ग्रोथ होकर के वो आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा है और वायरल हुआ है, तो वो ज़्यादा दिन तक टिक सकता है। लेकिन जो तुरंत ग्रोथ होगा जिसकी, वो तुरंत नीचे भी गिरेगा। ये होता है इस सोशल मीडिया पे। आप जब तक एक निश्चित पे काम नहीं करेंगे, लाइक एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, सिंगिंग या आर्ट में या कोई भी सेक्टर हुआ, किसी एक सेक्टर में आप काम करोगे तो आपका एक्सपीरियंस भी उतना ही तगड़ा होगा, क्रिएटिविटी भी उतनी तगड़ी होगी और लंबे समय तक टिक पाओगे। अब जो बादाम बेचने वाले अंकल थे, उनका एक पेशा था और रोज एक ही स्टेप को फॉलो करते थे, इस तरह से उनका एक्सप्रेशन तगड़ा हो चुका था। तो किसी ने अपना फ़ोन उठाया और वीडियो बनाया, वायरल हो गए। तो एक तरीके से वायरल हो गए, लेकिन फिर दोबारा वो चीज़ नहीं कर सकते, उनके अंदर वो हुनर नहीं है, वो क्रिएटिविटी नहीं है। जो अचानक से वायरल होगा वो अचानक से नीचे तो भाई जाना जरूर है एकदम, ठीक है। इसीलिए मेहनत करके आगे बढ़िए, काम कीजिए। जो रेगुलर मेहनत करके धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ता है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है।